हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के बारे में। बहुत सारे आपके कमेंट आ चुके हैं, बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं। एक बच्चे ने तो लाइन लगा दी थी, कम से कम 8-10 कमेंट किए थे, सर इन्फ्रेंशियल का वन शॉट, इन्फ्रेंशियल का वन शॉट। तो पिछले कुछ दिनों से टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था। तो आज हम इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, तो वो सारे कन्फ्यूज़न आपके इस वन शॉट के बाद डेफिनेटली दूर हो जाने वाले हैं। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या इसके अंदर है, कौन कौन से फार्मूले आपको लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं। और आई होप इस वीडियो के बाद आपके मन में इन्फ्रेंशियल स्टेट्स को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा कि इसके क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले मैं आगे क्वेश्चंस करने से पहले, यहाँ पर इसमें थ्योरी भी काफ़ी है और थ्योरी को आप बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकते हैं। तो थ्योरी से हम स्टार्ट करेंगे, थ्योरी को समझेंगे, वो समझने के बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो, और हम बात तो जब करेंगे जब हमारे सामने यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ पर चलते हैं। तो ये आपके सामने इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के बारे में जो थ्योरी में जो भी हम करने वाले हैं, ये सारा आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर है। तो एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर आपको समझाता चलूँगा, बस आप समझते चलेंगे ढंग से और उसको ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ें को करना है। सबसे पहले इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स होता क्या है, क्या इसका मीनिंग होता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये कहता है कि टू ड्रॉ ए कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन, टू ड्रॉ ए कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल एविडेंस। यानी जो सैम्पल हमें मिलता है, उस सैम्पल के एविडेंस पर हम ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन का मीन क्या होगा या पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। मतलब पॉपुलेशन के बारे में जितनी भी जानकारी है वो हम सैम्पल से फाइंड करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन से किसी भी जानकारी को फाइंड करना थोड़ा टीडियस टास्क होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल की हेल्प से हम पूरा का पूरा कंक्लूज़न निकालते हैं, और वही कंक्लूज़न हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले पॉपुलेशन का डाटा हमें निकालना है। पॉपुलेशन का डाटा निकालने के लिए आपको सैंपल को यूज़ करना है। सैंपल से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, वो करने के बाद हम एक कंक्लूज़न पर पहुंचेंगे, और ये कंक्लूज़न किसका होगा, सैंपल का कंक्लूज़न होगा, और पॉपुलेशन का कंक्लूज़न होगा, सैंपल का नहीं। सैंपल की हेल्प से पॉपुलेशन तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन स्टेट्स, पॉपुलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम पॉपुलेशन वर्ड जैसे दिमाग में आता है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरे नंबर हम हैं, और बहुत जल्दी ही लगता है नंबर वन भी हम बनने वाले हैं। तो खैर जो भी है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इवेंट्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो सेम कैरेक्टरिस्टिक की चीज़ें हैं उन सबका अगर हम एक ग्रुप बना दें तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ ऑल मेल एज्ड अबव 35 ईयर्स इन दिल्ली, ब्लड प्रेशर ऑफ ऑल वुमेन एज बिटवीन 30 एंड 40 ईयर्स, ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ इंडिया, ह्यूमिडिटी इन जुलाई ऑफ ऑल मेट्रो सिटीज़, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कुछ भी, मतलब जो भी आपके पास डाटा है, अगर सेम करेक्टरिस्टिक का डाटा है, आपने उसको एक ग्रुप बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन में, दो तरह की पॉपुलेशन हमारे सामने आएगी, एक होगी फाइनाइट पॉपुलेशन, एक होगी इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन आई, ठीक है, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो उसके बारे में हम देखते हैं। फाइनाइट का मतलब आपको पता है कि फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, इट इज़ ए काउंटेबल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, टीचर्स इन ए स्कूल, जहाँ पर आप इजिली काउंट कर सकते हो कि भाई इतने इतने लोग होंगे, तो वो आपका बन गया पॉपुलेशन इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हो गया जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अगर हम काउंट करने बैठे ऑल स्टार इन ए मिल्की वे, तो भाई ज़िंदगी निकल जाएगी, काउंट नहीं कर पाओगे कि कितने स्टार्स हैं, ठीक है, आपके सर पे बाल कितने, काउंट करते रहो,
ठीक है, तोड़ तोड़ के निकालते रहो, काउंट करते रहो कितने बाल हैं, गंजे हो जाओगे, फिर भी याद नहीं रहेगा, फिर भी पता नहीं चलेगा कि कितने बाल आपके सर पर है। तो इस तरह का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं इन्फेनाइट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है सैंपल। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैंपल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो भी हम डील करने वाले हैं यहाँ पर हम सैंपल्स के बारे में ही बात करने वाले हैं कि सैंपल आपके क्या होंगे। तो इट इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होती है उसमें से हम एक छोटा ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, वो जो कि उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ए वेल चूजन सैंपल विल कंटेन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। सैंपल जब हम चूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं सैंपल चूज़ करने के, अभी हम आगे समझेंगे किस किस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो। एक अच्छी तरह से अगर आपने सैंपल चूज़ किया है तो वो आपको एक बेटर क्लैरिटी दे पाता है पॉपुलेशन के बारे में। द रिलेशन बिटवीन द सैंपल एंड पॉपुलेशन मस्ट बी सच एज टू फॉलो ट्रू इन्फ्रेंस टू बी मेड अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द सैंपल। दो रिलेशन होता है सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में, जो सैंपल है सैंपल को हम यूज़ करते हैं, सैंपल को यूज़ करके फिर एक हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। वो कंक्लूजन किसके लिए होता है, वो कंक्लूजन पॉपुलेशन के लिए होता है। तो पॉपुलेशन जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम से हमने समझा है कि पॉपुलेशन हमारे पास पूरी, इस पॉपुलेशन में से हमने अलग अलग ग्रुप के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक सैंपल चूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ से आपने देखा भाई पिंक वालों को भी ले लिया हमने, ब्लू वालों को भी ले लिया, ब्लैक एंड वाइट में मेल फीमेल दिखा रखे हैं दोनों, सबको ले लिया हमने। यानी ये एक सैंपल ऐसा है जो इन सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब हम सैंपलिंग करते हैं तो अच्छा, सैंपलिंग से पहले थोड़ा डिफरेंस और देख लेते हैं पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस हो गए पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, इट फोकस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। पॉपुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि विच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज दिस। सैंपल में क्या करेंगे, इट मेक्स इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन। यहाँ पर जो पॉपुलेशन के बारे में जो भी आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, उसके बारे में जो एजम्पशन आपको देनी है पॉपुलेशन के बारे में, वो हम सैंपल की हेल्प से फाइंड करते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहता है, सर्वे डन ऑन एंटायर पॉपुलेशन इज एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज विद नो मार्जिन ऑफ एरर। अगर आप पूरी पॉपुलेशन को लेते हैं, अगर आप पूरी पॉपुलेशन को लेकर अगर आप जो भी कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो डाटा आता है वो एक्यूरेट डाटा आता है और उसमें एरर की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन अगर आप सैंपल यूज़ करते हैं तो सैंपल के अंदर मार्जिन ऑफ एरर रहता है, क्योंकि सैंपल में आप सारे लोगों को तो ले नहीं रहे, कुछ लोगों को ले रहे हो, तो कुछ लोगों को लेने का मतलब है कि वहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक। जो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक की चीज़ें हैं उनको अगर आप एक ग्रुप बना देते हो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। और स्मॉल सैंपल हो गया, इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मेंबर्स का ही हमने एक और ग्रुप बना दिया, छोटा ग्रुप बना दिया, उसको हम बोलेंगे सैंपल। द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। जो भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं पॉपुलेशन का, अगर हम मीन निकालते हैं, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, उनको हम बोलते हैं पैरामीटर। और सैंपल की हेल्प से अगर हम वो चीज़ें निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर। सैंपल निकालते हो तो स्टैटिस्टिक्स, और पॉपुलेशन का निकालते हो तो पैरामीटर। अब हम बात करते हैं सैंपल की, कि सैंपल आप कैसे कर सकते हो, किस किस तरह की सैंपलिंग हमारे पास होती है। तो सैंपलिंग पे हम चलेंगे तो हमारे पास देखिए दो तरह की सैंपलिंग है। एक सैंपलिंग आपके पास है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। दोनों के नाम से हमें समझ में आ पा रहा है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब है, इन दिस टाइप सिलेक्शन ऑफ मेंबर इज रैंडम। कि जो आप सिलेक्शन कर रहे हो ना मेंबर्स का, वो रैंडमली कर रहे हो। रैंडमली करने से क्या होगा, इट इज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सभी के पास इक्वल चांस होगा सिलेक्ट होने का, कोई बायसनेस नहीं होगी इसके अंदर, निष्पक्ष होगा सब कुछ, कोई किसी का पक्षपात नहीं करेगा। ठीक है, सबके पास इक्वल चांस होगा सैंपल में सिलेक्ट होने का। इट इज़ आल्सो नोन एज रैंडम सैंपलिंग। इसको हम रैंडम सैंपलिंग भी बोल रहे हैं क्योंकि हम रैंडमली इसमें पिक करते हैं। तो इसमें अब किस किस तरह की सैंपलिंग होती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होगा, इन दिस एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बींग सेलेक्टेड।
इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सबसे कॉमन मेथड होता है सैम्पलिंग का। अक्सर आप लोग भी करते रहते होंगे सैम्पलिंग, अपने घर में भी करते होंगे, स्कूल में भी करते होंगे, फ्रेंड्स में भी करते होंगे, कि आपने कुछ भी कोई मान लो अपने स्कूल में आपको कुछ प्रोग्राम करना है, उस प्रोग्राम में आपको कुछ बच्चों को सिलेक्ट करना है, आप जाओगे, आप उस प्रोग्राम के इंचार्ज हो, आपने क्लास में जाके खड़ा कर दिया, हाँ भाई ये बच्चा खड़ा हो जाओ, ये खड़ा हो जाओ, ये खड़ा हो जाओ, ये खड़ा हो जाओ, तो आपने क्या करा, सैंपल इकट्ठे कर लिए रैंडमली बेसिस पर। पर ध्यान रखना किसी दोस्त को नहीं चुनना है, ठीक है, फिर वो बायसनेस हो जाएगी। अनबायस्ड करना है बिल्कुल आपको, कोई इसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, रैंडमली सिलेक्ट करना है, सबके पास इक्वल चांस हो कि सिलेक्ट करने का। कोई कंप्लेंट ना करे टीचर के पास जाके यार कि भाई इन्होंने हमें नहीं सुना, ये हमारे सीनियर जो है ना ये बेकार हैं, ये पक्षपात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास मान लो ग्रुप है, उस ग्रुप में से आपने एक ये पिक कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, इस तरह से आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सैम्पलिंग है हमारे पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी कुछ कुछ रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही होती है, ठीक है। जैसे रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट यहाँ भी रैंडमली करना है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक कर देते हैं। सिस्टमेटिक करने का मतलब है कि मान लो आपको आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, आपने सबको मार्किंग दे दी कि भाई ये 1 2 रोल नंबर वाइज 1 2 3 4 ये रोल नंबर है आपके, ठीक। अब आपको सिलेक्ट करना है, रैंडमली सिलेक्ट करना, आपने कोई भी रोल नंबर पिक कर लिया, मान लो आपने पिक कर लिया 5 रोल नंबर, उसके बाद आपने कहा कि भाई मुझे 10-10 करके जो भी रोल नंबर आएगा मैं उसको पिक कर लूँगा, उसमें चाहे आपका दोस्त हो चाहे ना हो, आपने सीधा 5 के बाद 15 को पिक करा, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 45, 55 है तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपने रैंडमली पिक कर लिए तो उसको हम बोलेंगे, उसमें आपने एक सिस्टम बना दिया तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। उसके बाद आती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या करना है, इन दिस सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू द सब ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्राटा बेस्ड ऑन द रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक। किसी खास कैरेक्टरिस्टिक को लेकर आपने क्या करा, उनके सब ग्रुप्स बना दिए। जैसे आपने जेंडर ले सकते हो, जेंडर वाइज आपने ग्रुप बना दिया, एज ले सकते हो, इनकम ले सकते हो, प्रोफेशन ले सकते हो, किसी भी क्राइटेरिया को आपने लिया, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपने पूरी पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, वो आपने सैंपल बना दिए। तो उसके बाद क्या करना है आपको, द मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप आर सिलेक्टेड यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसे आपके पास ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है, एक मेंबर आपने रैंडमली यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, एक यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, एक यहाँ से कर लिया, दो यहाँ से कर लिए, तो आप जैसे मर्जी सिलेक्ट करो, लेकिन हर ग्रुप से आपको रिप्रेजेंटेशन लेनी है, हर ग्रुप से आपको सिलेक्ट करना है, उसकी को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। उसके बाद आती है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। अब इस क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करना है हमें, क्लस्टर सैम्पलिंग इट डिवाइड द पॉपुलेशन इंटू सब ग्रुप। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना है, बट ईच सब ग्रुप हैज़ द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल पॉपुलेशन। जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें हर एक ग्रुप के अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के लोग होने चाहिए, किसी भी तरीके से आप उसको डिसाइड कर लो। दिस इज़ यूजफुल व्हेन द पॉपुलेशन इज डिस्पर्स। जब आपकी पॉपुलेशन काफ़ी डिस्पर्स होती है, काफ़ी फैली हुई होती है, दूर दूर होती है, तो उस केस में अगर आप क्लस्टर सैम्पलिंग करते हो तो ये आपको बेनिफिशियल होती है। किस तरीके से, जैसे मान लो कहता है कंपनी हैज़ अ 15 ब्रांचेज इन अ सिटी, यू वांट टू सिलेक्ट अ सैम्पल ऑफ 100 एम्प्लॉय, इट इज़ डिफिकल्ट टू सिलेक्ट मेंबर फ्रॉम द ईच ब्रांच, सो फर्स्ट सिलेक्ट एनी 5 ब्रांच एंड देन सिलेक्ट 20 मेंबर्स फ्रॉम ईच ब्रांच। तो हमने क्या करा, जो 100 आपके पास जो 15 ब्रांचेज थी, उन 15 ब्रांचेज में से हमने कोई सी 5 ब्रांच सिलेक्ट कर ली। 5 करनी है 5 कर लो, 6 करनी है 6 कर लो, 3 करनी है 3 कर लियो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, जैसे आपको सैम्पलिंग का मेथड बेटर लगता है, वैसे आपने मान लो यहाँ से आपने 5 कंपनी यहाँ से सिलेक्ट कर ली। अब उन 5 ब्रांचेज में से आपको 20 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, तो आपने कुछ यहाँ से कर लिए, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, इस तरीके से आपने सेलेक्ट कर लिए। तो ये वाला और वो वाले दोनों स्ट्रेटिफाइड और ये थोड़े थोड़े से एक जैसे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पूरी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है, यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन को नहीं करना, उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ ग्रुप्स को करना है और उन ग्रुप्स के अंदर से अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव आपको ढूंढने हैं। तो ये मतलब हो गया हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग का। अब उसके बाद हम चलते हैं, ये सारे केसेस थे किसके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। अब हम जो केस करने जा रहे हैं वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप लोग बहुत करते हो यार, बहुत करते हो, ठीक है। कैसे करते हो देखो, कुछ एग्जांपल से समझ जाओगे आप। सबसे पहले क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द सिलेक्शन ऑफ मेंबर फ्रॉम द पॉपुलेशन इज नॉन रैंडम।
रैंडम सिलेक्शन नहीं है, नॉन रैंडम है, एंड ईच मेंबर हैज़ नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। और सबके पास इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने का, सबके पास इक्वल चांस नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज ईजियर एंड चीपर टू एक्सेस, यू कैन नॉट यूज इट टू मेक द वैलिड स्टैटिकल इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन। तो यहाँ से जो वैलिड इन्फ्रेंसेज होती है वो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब मान लो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या कर रहा है, इन दिस द मेंबर आर सिलेक्टेड विच आर मोस्ट कन्वीनियंट फॉर द रिसर्चर। अब आप क्या करोगे, मान लो आपके पास आपके 10 फ्रेंड हैं, आपको क्या करना है कि कॉलेज के बारे में आपको राय लेनी है कि भाई कौन सा कॉलेज मैं आगे ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, तो उसमें कौन सा कॉलेज मुझे बेटर लगता है। तो आप किन से राय लोगे, या तो आपके जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है या तो उनसे राय लोगे, या फिर आप सोचोगे कि भाई जिनको थोड़ा सा नॉलेज है। अब आप सर्कल में बैठते तो आपको पता होता है, बातों से पता चल जाता है भाई किसको नॉलेज है किसको नहीं है, या तो उनसे आप लोगे, या अपन दोस्तों से ना लेके आप किसी सीनियर से राय लोगे या अपने पेरेंट्स से राय लोगे। तो वहाँ पर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये सेट करोगे कि मेरे को राय किससे लेनी है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली पकड़ के कोई भी सड़क पर चल रहा है पकड़ लोगे, हाँ भाई कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, अरे जो कॉलेज कभी गया ही नहीं, जिसके बाद जो उसको एजुकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं वो आपको बताया गया। तो यहाँ पर आप अपनी कन्वीनियंस देखते हो कि मेरे को किससे पूछना बेटर रहेगा, कौन मेरे को सही तरीके से बता सकता है। तो यहाँ रैंडम सैम्पलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर नॉन रैंडम सैम्पलिंग हो रही है। आप अपनी कन्वीनियंस देख रहे हो कि आपको कहाँ से कैसी राय मिल सकती है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर रहे हो। तो ये हो गया हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बहुत सारे लोग हैं आपने, लेकिन अपने ये क्लोज वन चूज़ कर लिए कि मेरे को इनसे राय लेनी है, सबसे नहीं लेनी। वॉलंटरी रिस्पॉन्स, तो वॉलंटरी रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, इट इज़ द सिमिलर टू द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तरह ये सिमिलर होती है। इन दिस मैथड पीपल आर देमसेल्फ रेडी टू कंडक्ट द सर्वे कलेक्ट द सैम्पल डाटा। इसमें लोग जो क्या करते हैं, खुद आके कहते हैं कि भाई हम सैम्पल हैं, हम सैम्पल हैं, हम सैम्पल हैं, ठीक है, हमें सैम्पल ले लो। तो वॉलंटरी रिस्पॉन्स मतलब खुद आके सैम्पल बनना चाहते हैं। जैसे आपने कोई भी मान लो क्लास में टीचर आता है, टीचर कहता है भाई 25, 26 जन के जो प्रोग्राम होता है, रिपब्लिक डे का जो प्रोग्राम है, उसमें हमें बच्चे चाहिए, कौन कौन से बच्चे परफॉर्म करना चाहते हैं। तो कुछ बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, हाँ जी हम खड़ा, हम करेंगे। तो वो क्या हो गया, उन्होंने अपने आप को एज ए सैम्पल रिप्रेजेंट कर दिया। वॉलंटरी रिस्पॉन्स, उन्होंने खुद इच्छा जाहिर करी कि हाँ हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये बन गया हमारा वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। अब उसके बाद आती है जजमेंट सैम्पलिंग। तो जजमेंट सैम्पलिंग में हम गए, इन दिस मेथड द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट, ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परपसिव सैम्पलिंग, इसको हम परपसिव सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। हेयर क्वालिटी ऑफ सैम्पल रिजल्ट डिपेंड ऑन द जजमेंट ऑफ द पर्सन सेलेक्टिंग द सैम्पल। यहाँ पर क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस जज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से सैम्पल को चूज़ कर रहा है। जैसे मान लो टीचर क्लास में आता है, ठीक है, अब टीचर का एग्जाम्पल चल रहा है तो वही ले लेते हैं। अब टीचर रेगुलर क्लास को ऑब्जर्व करते रहता है, उसे पता है भाई कौन सा बच्चा किस तरीके का है, कौन सा शरारती बच्चा है, कौन सा सिंसियर बच्चा है। अब उसे प्रोग्राम के लिए कुछ बच्चे लेने हैं, तो नेचुरल है कि जो शरारती बच्चे होते हैं उनको कम लेंगे, क्योंकि आप उनकी नाक में दम कर देते हो। तो बेटर है कि वो क्या करते हैं, ऐसे बच्चे को लेना पसंद करते हैं जो डिसिप्लिनड हो, जो कहना मानते हो। तो क्लास में टीचर आती है, भाई यहाँ फलाने दिन ये प्रोग्राम है, 26 जनवरी का प्रोग्राम है, हाँ बेटा आप सेलेक्ट हो, 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 होगी जी सैम्पलिंग। तो यहाँ पर क्या गया, टीचर ने अपने हिसाब से जजमेंट किया कि भाई मेरे को इनको लेना है, मेरे को फालतू पंगा नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कि भाई ये आप पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा, मेरे को तो ये 5 बंदे ही चाहिए, ये 5 स्टूडेंट है, ये फेवरेट स्टूडेंट है मेरे, कहना मेरा मानते हैं, मेरे को यही चाहिए, मेरे को और कोई चाहिए नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जजमेंट सैम्पलिंग होगी। तो जजमेंट टीचर ने दे दिया कि मेरे को ये बच्चे चाहिए, यही मेरा अच्छा काम करेंगे, ठीक है जी। तो ये होगी हमारे पास जजमेंट सैम्पलिंग। उसके बाद चलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल आपने देखा होगा कि स्नोबॉल क्या होती है, स्नोबॉल बर्फ़ का गोला। अब बर्फ़ के गोले में क्या खास बात होती है, जितना उसको लुढ़काते जाओगे उतना और बड़ा होता जाएगा, बर्फ़ और चिपकती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग भी अक्सर हम लोग करते रहते हैं। कैसे करते हैं, देखिए आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास अक्सर कॉल आता रहता होगा, भाई लोन ले लो या क्रेडिट कार्ड बनवा लो। अब ज़रूरी नहीं है कि बनवाते हों, लेकिन हाँ फिर उनसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि कोई रेफरेंस दे दो। अगर मान लो रेफरेंस दे दिया, तो आपने जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने 3 दोस्तों का रेफरेंस दे दिया, उन तीनों के पास कॉल किया जाएगा, फिर उन तीनों से पूछा जाएगा, उनसे रेफरेंस लिया जाएगा, फिर आगे ये चेन इसी तरीके से बढ़ती जाएगी।
या आप कह सकते हो मल्टी लेवल मार्केटिंग, अगर आपने सुना हो, जैसे जिसे हम अक्सर चेन सिस्टम बोल देते हैं कि एक टॉपर बंदा होता है, वो आगे तीन लोगों को सेलेक्ट करता है, तीन लोगों को अपने साथ जोड़ता है, वो तीन आगे तीन को जोड़ते हैं, वो तीन आगे तीन को जोड़ते हैं, इस तरह करते 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 बहुत लंबी सी एक चेन बन जाती है। ठीक है, इस तरह से जैसे ये एक था, एक के बाद इसने आगे दो को जोड़ दिया, तो इसने आगे दो को जोड़ा, इन दोनों लोगों ने आगे तीन तीन को जोड़ दिया, फिर आगे तीन चलते जाएंगे, भाई एक पूरी चेन बन जाएगी, बहुत लंबे, बहुत काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो जो स्नोबॉल सैम्पलिंग भी हो गई, अब सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं। सैम्पलिंग में एरर भी होती है। सैम्पलिंग में एरर कैसे होती है, क्या होती है एरर? जब आप सैम्पल चूज़ करते हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सैम्पल का अगर आपने अच्छी तरह सैम्पल चूज़ कराया तो एरर होने के चांसेस कम होंगे ज़रूर, ठीक है, होंगे जरूर, क्योंकि आप सैंपल चूज़ कर रहे हो, आप पूरी पॉपुलेशन को नहीं ले रहे हो। अगर मान लो आपको 100 लोगों का सर्वे करना है, आप 100 की जगह 10 का सर्वे कर रहे हो, तो नेचुरल है मार्जिन ऑफ एरर तो रहेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने सैंपल किस तरीके से चूज़ किया है। तो सैंपलिंग एरर होती क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर, डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड द सैंपल स्टैटिस्टिक, यानी जो सैंपल का मीन होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जो भी आपने निकाला है, और सैंपल से जो आपने निकाला उसका जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं सैंपलिंग एरर। इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड द एस्टिमेटेड सैंपलिंग एरर डिक्रीजेज एज द सैंपल साइज ग्रोज। जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे, मार्जिन ऑफ एरर कम होता जाएगा। अगर आपने सैंपल 10 का लिया है, मार्जिन ऑफ एरर ज़्यादा रहेगा। अगर आपने सैंपल 20 का कर दिया, मार्जिन ऑफ एरर कम हो गया, और सैंपल 50 का कर दिया, मार्जिन ऑफ एरर कम हो गया। यानी जितना सैंपल साइज ग्रो करेगा, मार्जिन ऑफ एरर उतना ही कम होता जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा पैरामीटर और ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ये काफ़ी बार आ गया, पैरामीटर स्टैटिस्टिक क्या होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि भाई पैरामीटर और स्टैटिस्टिक क्या होते हैं, ये मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या होती है? मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है। पॉपुलेशन की जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको बोलते हैं पैरामीटर, और जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन डेविएशन, इस तरह से, ठीक है। और जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होते हैं। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? इनके बीच में डिफरेंस होता है भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन, ये होता है पैरामीटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, ये होता है स्टैटिस्टिक। इट इज़ ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज टेकन फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन सच एज पॉपुलेशन मीन। अगर पूरी पॉपुलेशन का आपने मीन निकाल दिया तो उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन मीन, तो वो क्या बनेगा? पैरामीटर। अगर आपने वही चीज़ सैंपल से निकाली है, मीन आपने सैंपल से निकाला है, जैसे सैंपल मीन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक्स। जनरली डिनोटेड बाय ग्रीक अल्फाबेट्स, जो पैरामीटर होते हैं जनरली उसको हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मीन आता है, वेरिएंस आता है, इनको ग्रीक लेटर से हम डिनोट करते हैं। और सैंपल के अंदर जो स्टैटिस्टिक होते हैं उसको हम जनरली डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। देखिए, जैसे एवरेज वेट ऑफ द ऑल मेल इन इंडिया, द एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ द ऑल स्टूडेंट इन ए क्लास, यहाँ पर पूरे ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पर इस पूरे ग्रुप की बात नहीं हो रही है। द एवरेज वेट ऑफ द 1000 मेल इन इंडिया, इंडिया पूरी एक पॉपुलेशन हो गई, उसमें से हमने 1000 लोगों का एवरेज वेट निकाल लिया। द एवरेज टेस्ट ऑफ 200 स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट, क्लास के अंदर 500 स्टूडेंट थे, लेकिन हमने एवरेज टेस्ट किसका निकाला? 200 स्टूडेंट का निकाला। हमने एक सैंपल चूज़ किया 200 का, उसका हमने मीन निकाल दिया या वेरियंस निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आई थिंक काफ़ी सारा कवर हो गया थ्योरी का पार्ट। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसिस, ठीक है, इसके अंदर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसिस मतलब जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है उसके आधार पर आप आगे क्या उसके एक आकलन करते हो, क्या उससे आप कंक्लूज़न देते हो, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या तरीके होते हैं। जो पहला तरीका हमारे पास है वो है एस्टीमेशन। एस्टीमेशन के अंदर दो होते हैं, पॉइंट एस्टीमेशन और इंटरवल एस्टीमेशन, और दूसरा होता है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि एस्टीमेशन क्या होता है और हाइपोथेसिस क्या होता है। तो हम बात करते हैं अब एस्टीमेशन की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्टीमेशन। तो एस्टीमेशन कहते हैं, एस्टीमेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ सैंपल डाटा। यानी सैंपल डाटा की हेल्प से जब आप अननोन पॉपुलेशन के बारे में कोई डाटा कलेक्ट करते हो उसको हम बोलते हैं एस्टीमेशन। अब यह एस्टीमेशन जब हम करते हैं तो दो तरीके का एस्टीमेशन है, पॉइंट एस्टीमेशन और उसके बाद है इंटरवल एस्टीमेशन।
तो पहले दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि पॉइंट एस्टिमेशन और इसमें डिफरेंस क्या होता है। वो डिफरेंस अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे चीज़ें आपको समझना और आसान हो जाएगा। सपोज़ आपको एक टास्क दिया गया, आपको टास्क दिया आपके टीचर ने कि भाई जाओ बेटा आज चेक करके आना है आपको, आज सीनियर क्लास के स्टूडेंट हो आप, चेक करके आओ कि कौन कौन बच्चा कंप्लीट यूनिफॉर्म में है। आप भी कंप्लीट यूनिफॉर्म में होने चाहिए पहले, तभी टास्क मिलेगा, ठीक है। अब आपने चेक करने गए, अब आपने सोचा यार पूरे स्कूल का डाटा चेक करना है, 1,200 बच्चे हैं तो कैसे चेक करेंगे। तो आपने क्या करा, थोड़ा स्मार्टर वे यूज़ किया आपने, आप क्योंकि इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स आप पढ़ते हो, आपको पता है सब चीज़ें कि सैंपल कैसे करना है। तो आप हर क्लास में गए, हर क्लास में चार पाँच बच्चों को आपने खड़ा किया, उसकी यूनिफॉर्म चेक करी, डाटा तैयार किया और टीचर को डाटा सबमिट करा दिया कि मैम 80% जो है स्टूडेंट वो आज कंप्लीट यूनिफॉर्म में। तो आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट में वैल्यू दे दी आपने, ठीक, आपने क्या करा, सिंगल वैल्यू दे दी आपने, स्पेसिफिक पॉइंट वैल्यू दे दी कि 80% ऑफ द स्टूडेंट ऐसे जो कंप्लीट यूनिफॉर्म में है। तो उसको आप, उसी को हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। लेकिन अब आपने क्या करा, दूसरा तरीका इस्तेमाल किया, थोड़ा और स्मार्टर खेल गए आप। क्या खेल गए, आपने जो डाटा दिया आपने कहा कि मैम 75% से 80% तक के स्टूडेंट हैं जो कंप्लीट यूनिफॉर्म में है। अगर आगे हम उसको चेक करते हैं और आपका डाटा इन दोनों के बीच में आ जाता है, दैट मीन्स आप करेक्ट है, क्योंकि आपने एक इंटरवल दे दिया, आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी। एग्जैक्ट वैल्यू दी और वो गलत निकली तो आपका काम खत्म, मतलब आपका जो टास्क है ना उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग मिली। लेकिन अगर आपने इंटरवल में वैल्यू दी और वो इंटरवल के बीच में कहीं से भी आ गई, तो इसका मतलब आपने काम ठीक करा है, तो वो बन जाता है आपका इंटरवल एस्टिमेशन। अब यहाँ पर स्लाइड में आई थिंक फार्मूला मिस हो गए। तो पॉइंट एस्टिमेशन में जब हम सैम्पल मीन निकालेंगे, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो उसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो सैम्पल मीन का मतलब, सैम्पल मीन का जो फार्मूला है, सैम्पल मीन हो गया आपके पास, इसको हम डिनोट करेंगे एक्स बार से, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और फार्मूला आ गया इसका सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दी है, जैसे हम मीन निकालते हैं सिंपल, उसी तरीके से ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ठीक। अब उसके बाद निकालते हैं हम सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट कर लेंगे एस से, और इसका फार्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एक्स मीन्स यहाँ पर एक्स आई, ठीक है, यहाँ पर भी आप एक्स आई लिख सकते हो, खाली एक्स लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो ये फार्मूला बन गया हमारा सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का। इन दोनों फार्मूला की हेल्प से हम यहाँ पर जो पॉइंट एस्टिमेशन के क्वेश्चन है वो कर सकेंगे। और जब हम पॉइंट एस्टिमेशन करते हैं तो जो सैम्पल मीन होता है, सैम्पल मीन ही हमारा पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। सैम्पल मीन इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन। पॉइंट एस्टिमेशन के केस में ऐसे सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर यहाँ पर पॉइंट एस्टिमेशन के क्वेश्चन में आपसे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहे हैं या पॉपुलेशन मीन पूछ रहे हैं, दैट मीन्स आप सैम्पल मीन निकालो या सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उनसे आप अपना आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन के, फिर इंटरवल एस्टिमेशन के। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ ए रैंडम सैंपल 5, 8, 10, 7, 10, 14। ये आपके पास एक डाटा दिया हुआ है और इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन का आपको यहाँ पर पॉइंट एस्टिमेट करना है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर सैंपल मीन। अब सैंपल मीन जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें चाहिएगा यहाँ पर सिग्मा एक्स आई। सिग्मा एक्स आई का मतलब होता है इन सब का सम, तो इनका सम करेंगे 5 + 8 + 10 + 7 + 10 + 14। इनका सम करते हैं, सम हमारे पास कितना आ गया, देखिए ये 10 और ये 10 20 हो गया, 20, 30, 34, 34 + 7, 41, 41 + 5, 46, 46 + 8, 54। तो ये आ गया आपके पास 54 डिवाइडेड बाय, कितने डाटा हमारे पास है, 6 है, तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास सैंपल मीन आ गया 9।
अब जो सैंपल मीन है हमारा वही पॉपुलेशन मीन होगा पॉइंट एस्टिमेशन वाले केस में, तो इसका मतलब पॉपुलेशन मीन को हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड इससे सिग्मा से, तो ये भी आ गया हमारा 9। अब दूसरा हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो हम पहले क्या निकालते हैं, सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो जितनी भी एक्स आई है, एक्स आई क्या है हमारे पास, ये सारी की सारी हमारी एक्स आई है, इन एक्स आई में से आप क्या करो मीन को माइनस करो, मीन हमारे पास कितना निकला है 9, तो 5 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर करेंगे, 8 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर, 10 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर, 7 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर, 10 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर, 14 माइनस 9 फिर इसका भी होल स्क्वायर। अब यहाँ बीच में प्लस लगाया, क्यों लगा रहा है, क्योंकि सिग्मा आपको दिया हुआ है, तो इन सबको हम प्लस करा हमने, तो 5 माइनस 9 आ गया -4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस 8 माइनस 9 -1, -1 का स्क्वायर 1, यहाँ से 1 बचेगा इसका स्क्वायर भी 1, वहाँ से 2 आएगा, 2 का -2 आएगा उसका स्क्वायर 4, फिर 1, 14 माइनस 9 5 का स्क्वायर 25। अब इन सबको आप ऐड करो, 16 प्लस में 4 20 ये हो गया, 20 और 25 45 और 3 48, ये आ गया आपके पास 48। तो जब हम निकालेंगे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका मतलब ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 48 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, n कितना है हमारे पास 6, तो 6 माइनस 1 यानी 5, तो 48 डिवाइडेड बाय 5, 48 को आप डिवाइड करो पहले 5 से, ये आ गया आपके पास 9.6, 9.6 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट। आप यूजुअल मेथड से भी निकाल सकते हो, या इसका आपको मैंने शॉर्टकट तरीका भी बता रखा है, अगर आपने कैलकुलेशन ट्रिक वाली प्लेलिस्ट देखी होगी तो स्क्वायर रूट उसमें डायरेक्टली आप कैसे निकालते हैं उसका लिंक मैं ऊपर यहाँ पर दे रहा हूँ, उसको वीडियो को देख लो, समझ लो, समझने के बाद आप इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है, बड़े ईजी तरीके से निकाल सकते हो, तो उसको आप एक बार देख लेना, समझ लेना। आंसर मैं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर 3.1। तो इस तरीके से ये अगर हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो बात कर लेते हैं हम इंटरवल एस्टिमेशन की। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन, ऑलरेडी हम पहले इस बात में बात कर चुके हैं कि इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। अब इंटरवल एस्टिमेशन जब हम बनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम वो बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि जो आपने मान लो एक डाटा प्रेजेंट किया, क्या आपने बताया कि भाई ये पॉपुलेशन, ये सैंपल मीन है। अब जो पॉपुलेशन का मीन हम देखते हैं, सैंपल मीन आपने बता दिया कि सैंपल मीन इतना है, लेकिन जब पॉपुलेशन मीन काउंट करते हैं तो वो डाटा में जो मार्जिन ऑफ एरर होता है, उस मार्जिन ऑफ एरर की वजह से आपका डाटा थोड़ा सा कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। यानी जो आपने डाटा प्रेजेंट किया है, वैल्यू एक्चुअल जो है वो उससे थोड़ा सा कम हो सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है। यानी वो ये वो रीज़न होता है कि जिसमें आपका जो आपने मान लो ये वाली वैल्यू आपने रिप्रेजेंट करी है, ये आपने बताया कि भाई पॉपुलेशन का मीन आ रहा है, तो आपने जो सैंपल मीन निकाला था उसके हिसाब से हमने देखा कि भाई आपका जो मार्जिन ऑफ एरर है उसके हिसाब से अगर डाटा आपका इसके बीच में कहीं पर भी आ जाता है तो वो एक्सेप्टेबल रीज़न होता है। तो एक्सेप्टेबल रीज़न को हम डिनोट करते हैं वन माइनस अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा मिसिंग हो रहा है, तो 1 माइनस अल्फ़ा से इसको हम डिनोट करते हैं। अल्फ़ा होता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लेते हैं 95%, लेकिन वो कभी कभी 99 भी होता है, कभी कभी 90 भी होता है, तो वो जैसा भी होगा आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। और जो ये रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं रिजेक्टेड एरिया। यानी हमारी वैल्यू अगर यहाँ तक आती है तो एक्सेप्टेबल है, अगर इससे बाहर चली जाती है लेफ्ट में या राइट में तो वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाती है। अब एक कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है उसके अंदर हम क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती है कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल हमें चाहिए होता है, सैंपल स्टैटिस्टिक चाहिए होता है, मार्जिन ऑफ एरर चाहिए होता है। अभी कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या है, तो कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पर समझते हैं कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है, इट डिस्क्राइब द अनसर्टेनिटी ऑफ ए सैम्पलिंग मेथड। जो सैम्पलिंग मेथड होता है उसकी अनसर्टेनिटी क्या है ये वो डिस्क्राइब करता है
कॉन्फिडेंस लेवल रिटन द डेसिमल इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस कोफिशियंट। सैम्पल स्टैटिस्टिक क्या होता है? इट इज अ सैम्पल स्टैटिस्टिक फॉर विच द एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज डन। मार्जिन ऑफ एरर, द रेंज ऑफ वैल्यू अबव एंड बिलो द सैम्पल स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड द मार्जिन ऑफ एरर। इन सारे चीज़ों को अभी हम एक्सप्लेन करके ध्यान से एक चीज़ समझेंगे क्या क्या हमारे पास है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से ये कहता है कि मान लो एक न्यूज़ चैनल है, वो न्यूज़ चैनल कह रहा है कि भाई हमारा जो सर्वे है, न्यूज़ चैनल कह रहा है हमारा एक सर्वे है, उस सर्वे में हमने ये बताया इलेक्शन से पहले कि कैंडिडेट ए को 30% वोट मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ चैनल द सर्वे हैड मार्जिन ऑफ एरर ऑफ 5%। जो न्यूज़ चैनल है वो कह रहा है कि जो डाटा हमने आपको प्रेजेंट करा है उसमें 5% का मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। अब 5% का मार्जिन ऑफ एरर का मतलब है कि कंपनी जो न्यूज़ चैनल जो है वो 95% श्योर है कि जो डाटा उसने बताया कि 30% उसको वोट मिलेंगे, उसके लिए वो 95% श्योर है। दिस इज कॉल्ड आवर कॉन्फिडेंस लेवल। अब इसका मतलब हुआ कि अगर उस कैंडिडेट को 25% वोट मिलते हैं या 35% वोट मिलते हैं तो दैट मीन्स न्यूज़ चैनल के जो पोल दिया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लेम कर रहा था कि भाई 5% का मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। तो ये पॉपुलेशन का जो हम वो निकालते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन निकालते हैं, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा? तो पॉपुलेशन मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? म्यू हो जाएगा आपके पास सैंपल मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। यानी जो आपने सैंपल मीन प्रेजेंट किया, आपने सैंपल जो डाटा आपको मिला हुआ था उसके हिसाब से आपने एक मीन निकाल लिया, लेकिन क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर वहाँ पर है तो उस मार्जिन ऑफ एरर को अगर आप प्लस कर देते हो या माइनस कर देते हो तो आपके पास एक पूरा इंटरवल बन जाता है जिसको हम बोलेंगे इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन मीन या इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। अब यहाँ पर एक टर्म आ रही है हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर। सैंपल मीन हमने ऑलरेडी सीख लिया कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर हम निकालेंगे। मार्जिन ऑफ एरर निकालने का फार्मूला क्या रहेगा? मार्जिन ऑफ एरर निकालने का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो कि उसमें हम लिखेंगे z alpha by 2 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, उसका हाफ करना है, वहाँ से हमें जेड वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी आपको एग्जाम में, आपको टेबल वेबल तो यूज़ करनी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, एन दिया होगा, ये पुट करके आपको मार्जिन ऑफ एरर फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से आपको अल्फा बाय टू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये अगर हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर जो ग्रीक लेटर्स थे ना ये इस PDF में मिस हो गए हैं, जहाँ जहाँ ग्रीक लेटर है ना वहाँ वहाँ गड़बड़ हो गई है, तो कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल है 90% और ये अल्फा बाय 2 की वैल्यू है, ठीक है। ये 1.645 है, यहाँ पर ये 1.96 है, ये 90% है, इसको डेसिमल में लिखा है हमने, ये अल्फा है, ये अल्फा बाय 2 है। तो ये आपके पास 90% हो गया, 95% हो गया और 99% हो गया, इन तीनों का आपको ये दे रखा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है इंटरवल एस्टिमेशन का, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। यहाँ पर कहता है सैंपल रैंडम ऑफ 50 आइटम फ्रॉम ए पॉपुलेशन, यानी एन आपको दे दिया यहाँ पर 50, तो एन हमारे पास 50 हुआ। विद द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारे पास 6 इन ए सैंपल मीन ऑफ 32, सैंपल मीन आ गया हमारे पास 32, प्रोवाइडिंग ए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। अब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95% है, तो इसके हिसाब से अल्फा बाय 2 की जो वैल्यू होगी, जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी 1.96। अभी जो पीछे टेबल मैंने आपको दिखाई थी उस टेबल में अगर 95% था तो जेड अल्फा बाय 2 होता है 1.96। अब यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है? मार्जिन ऑफ एरर फाइंड करना है। जब तक मार्जिन ऑफ एरर नहीं निकलेगा आप कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं बना पाओगे। तो मार्जिन ऑफ एरर को हम डिनोट करते हैं ई से। फार्मूला हो गया इसका जेड अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। तो जेड अल्फा बाय 2 है हमारे पास 1.96, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गया 6 और एन आ गया आपके पास रूट 50।
अब 50 का रूट करेंगे तो आप यहाँ पर इसके पहले पेयर बना लो, 5 × 5 × √2 × 2, तो 5 आप बाहर निकाल देंगे यहाँ से इसको, चलो बाद में करेंगे, 5 बाहर आ गया आपके पास, अंदर आ गया √2। √2 की जो वैल्यू होती है, ये √2 की वैल्यू तो आई थिंक आप लोगों को याद होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू होती है 1.41। यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस थे, मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू ले ली है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये आ जाएगी 1.66। ये आ गया आपके पास मार्जिन ऑफ एरर। अब मार्जिन ऑफ एरर की हेल्प से हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, म्यू इक्वल्स टू सैम्पल मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो हमारे पास सैंपल मीन दिया हुआ है कितना, 32, तो प्लस माइनस 1.66 करेंगे, एक बार प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 32 प्लस 1.66, और एक बार माइनस करेंगे 32 माइनस 1.66। 32 में हम इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 33.66, और यहाँ पर माइनस करेंगे ये आ जाएगा 30.34। तो ये आ गया आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बन गया यहाँ पर, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो लोएस्ट वैल्यू है पहले उसको लेंगे 30.34, और उसके बाद है 33.66। ये बन गया हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में फिर कंप्लेंट मत करना कि सर स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देते। तो आगे चलते हैं हम, एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, स्पेस हमारे पास है, चलो जी यहाँ पर कहता है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ए पॉपुलेशन इज रिपोर्टेड टू बी 152 to 160। एक कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको दिया हुआ है, अब बनाने नहीं है, अब इंटरवल दिया हुआ है 152 to 160। इफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 15, और क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो जेड अल्फा बाय 2 हो गया 1.96। अब कहता है व्हाट सैंपल साइज वाज यूज्ड इन दिस स्टडी। सैंपल साइज क्या है यहाँ पर, एन आपको फाइंड करना है। अब एन फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है उसकी हेल्प लेनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला था, म्यू इक्वल्स टू सैंपल मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, अगर हम इसमें माइनस करते हैं, माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो लोएस्ट वाली वैल्यू आती है। यानी अगर हम यहाँ पर 152 लें तो ये आ जाएगा आपके पास सैंपल मीन माइनस मार्जिन ऑफ एरर, एक इक्वेशन ये बन गई। और अगर हम यहाँ पर प्लस लें तो ये बन जाएगा 160 इक्वल्स टू सैंपल मीन प्लस मार्जिन ऑफ एरर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अभी दो इक्वेशन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। आगे ई से ई कैंसिल कर दो, ई से ई कैंसिल करा आपने, आपके पास टोटल करेंगे 2, 5, 6, 11, और ये आ गया 312 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सैंपल मीन। 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 312 अपॉन में 2, तो ये आ गया हमारे पास 156। ये तो आ गया सैंपल मीन। अब इस 156 को आप पुट कर दो फर्स्ट में या सेकेंड में, कहीं भी पुट कर दो। अगर हम फर्स्ट में करते हैं तो 152 इक्वल्स टू सैंपल मीन 156 हो गया माइनस मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर को इधर लाओ, 152 को वहाँ ले जाके माइनस कर दो, तो मार्जिन ऑफ एरर आ गया आपके पास 4। अब क्योंकि हमें एन निकालना है तो जो मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला है हम उस पर चलते हैं। मार्जिन ऑफ एरर के फार्मूला में हमने पढ़ा था ये होता है जेड अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एन रूट एन। तो ई आपके पास आ गया 4, इसको यहाँ पुट करते हैं, जेड अल्फा बाई 2 हो गया 1.96, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 15,
और आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n को तो आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, और यहाँ आ गया 1.96 इनटू में 15 डिवाइडेड बाय 4। 4 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये बन गया आपके पास 4 4 16 और 4 9 36। 15 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो 15 9 135, 15 4 60 70 73। तो हमारे पास रूट एन आ गया 7.35। अब इसका आपको रूट हटाना है यहाँ से एन की वैल्यू, क्योंकि फाइंड करनी है। अब एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर देते हैं। अब स्क्वेयरिंग करेंगे आप तो आपके पास क्या बनेगा, 7.35 का आपको स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर स्क्वायर वैसे तो 7.35 को 7.35 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, स्क्वायरिंग आप कर दोगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 5 आ रहा है तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है। आपको 73 को 74 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और 73 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैंने आपको समझा रखी है, जो अभी पीछे कैलकुलेशन ट्रिक में जो वीडियो डाला था उसमें मल्टीप्लिकेशन विद 2 डिजिट नंबर दिया था, तो उससे आप अगर आपने उसको देखा होगा तो इसको कैलकुलेशन बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। 4 3 12, 1 कैरी करेंगे, 4 7 38 और 7 3 21 28, 28 21, और जो 1 हमने कैरी किया 10 2 2 4 और 5 अच्छा 5, 7 7 49, 49 प्लस में 5 54, तो ये आ गया आपके पास 5 4 0 2। अब क्योंकि लास्ट में 5 है तो पीछे इसका स्क्वायर 25 और लगा देना है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बाकी डिटेल में समझने के लिए आप जो वीडियो है कैलकुलेशन वाली वो देखना। अब यहाँ डेसिमल आपके पास 4 प्लेस के बाद आ जाएगा, यानी यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो हमारे पास बन गया 54.0225। अब जो n होता है, n क्योंकि कंप्लीट होता है, नंबर ऑफ सैंपल होते हैं वो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है, तो आंसर आपका आ जाएगा 54, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी वैल्यू 54 के बराबर ही आएगी। तो बच्चों बात करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, व्हाट इज़ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम और इसका मतलब क्या है। इसका क्वेश्चन भी आपको CBSE हैंडबुक में दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली फाइनल एग्जाम जो होंगे उसमें भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑलरेडी हमने पहले सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में डिस्कस किया हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसके नहीं किए थे, तो पहले हम समझ लेते हैं एक बार सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो इट स्टेट दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन अप्रोचेज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द सैम्पल साइज गेट्स लार्जर नो मैटर वट एवर बी द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप n का साइज, यानी जो सैंपल हम लेते हैं, वो सैंपल जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो जो हमारा मीन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करता जाएगा। जो हमारा सैंपल मीन है अप्रोच इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह का रहा हो, चाहे वो पॉजिटिवली स्क्यूड रहा हो, नेगेटिवली स्क्यूड रहा हो, कैसा भी रहा हो, लेकिन जैसे अगर आपने उसका n का साइज़ बढ़ाते गए, यानी सैंपल्स आपने ज़्यादा लिए, तो उस केस में क्या होगा, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ टेंड करता जाएगा। ए सैंपल साइज़ ऑफ 30 और मोर इज कंसिडर्ड टू बी सफिशियंट टू होल्ड CLT, मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम, एंड द सैंपल साइज बिकम्स लार्जर द प्रेडिक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन बिकम्स एक्यूरेट। तो अगर आइडियल सैंपल साइज़ क्या होना चाहिए आपके पास, 30 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जिससे हम CLT उसमें हम लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप सैंपल साइज़ को बढ़ाओगे, यानी 30 से आगे भी आप बढ़ाओगे, 40, 50, 60 जितना मर्जी आप लो, तो जैसे जैसे आप सैंपल साइज़ बढ़ाओगे तो पॉपुलेशन के बारे में जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है वो आपकी ज़्यादा एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर जितना पॉपुलेशन हम बढ़ाएंगे तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। एज पर CLD, व्हेन सैंपल साइज इंक्रीजेस द मीन ऑफ द सैंपल ऑफ डाटा बिकम्स क्लोज टू द मीन ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन। और जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ा रहे हो तो उस केस में क्या हो रहा है, मीन ऑफ द सैंपल ऑफ डाटा, यानी जो आपने सैंपल लिया है उसका मीन बिकम्स क्लोज टू द मीन ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन। जो ओवरऑल पॉपुलेशन का मीन होगा वो उसके क्लोज होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जब निकालेंगे, जब भी आपसे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी जाएगी, मीन वैल्यू पूछी जाएगी सैंपल की, तो वो किसके बराबर होगी, वो म्यू के बराबर हो जाएगी। म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी दे रखा होगा, ये आपको फाइंड करना होगा, तो इसकी हेल्प से आप इजीली इसको निकाल सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम। पॉपुलेशन मीन आपने निकाल दिया, पॉपुलेशन मीन के बाद की अगर हम बात करें, मीन ऑफ द रैंडम सैंपल, मीन ऑफ द रैंडम सैंपल मीन ऑफ द रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरियंस ऑफ वेरियंस का साइन है ये, ठीक है, ये वेरियंस का साइन हो गया, विल हैव एन अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद ए मीन इक्वल्स टू म्यू एंड वेरियंस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरियंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यानी जो वेरियंस अब आएगा आपके पास पॉपुलेशन का, जो वेरियंस आना है वो कितना होगा, जो पॉपुलेशन का आपको वेरियंस दिया हुआ है उसको आपको सिंपली एन से डिवाइड कर देना है। यानी जो अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन, तो जो आपने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होगा उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे रूट एन से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। द रिकॉर्ड ऑफ द वेट ऑफ द मेल पॉपुलेशन फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो वेट है मेल का, मेल पॉपुलेशन का, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 70 kg एंड 15 kg। तो मीन भी आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दिया हुआ है, दोनों चीज़ दी हुई है। तो मीन आपको क्या दिया है, ये बनेगा हमारा म्यू, जो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा वो आपका बन जाएगा म्यू। एंड 15 kg स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इससे डिनोट करते हैं, ये आ गया 15 kg। इफ़ ए रिसर्चर कंसिडर द रिकॉर्ड ऑफ 50 males, एक रिसर्चर को 50 males का रिकॉर्ड चाहिए, यानी एन की वैल्यू होगी आपके पास 50, देन वट वुड बी द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द चूजन सैंपल। तो जो सैंपल आपने चूज किया है उसका मीन क्या होगा, मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने देखा, जो हमारे पास फार्मूला था वो फार्मूला म्यू के बराबर ही होता है, पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। तो यानी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 70, यह आ जाएगा हमारा मीन, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द चूजन सैंपल। और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो सैंपल आपने चूज़ किया उसको यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स से शो कर सकते हो। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। अब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना था, 15 डिवाइडेड बाय रूट एन, तो यहाँ पर आ गया रूट 50। अब रूट 50 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, पहले आप इसके पेयर बना लो, जितने पेयर बन सकते हैं पेयर बना लो, थोड़ा छोटा कर लो। पेयर बनाओगे तो 5, 5, 2, तो उसमें से 5 हमारे पास पेयर बन रहा है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 15/5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय रूट 2, 5 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3। और रूट 2 की वैल्यू तो ऑलमोस्ट आपको याद होगी, रूट 2 रूट 3 ये तो कॉमन यूज़ करते रहते हैं। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो आप इसको 1.41 दो डेसिमल प्लेस तक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें 3 को डिवाइड करना है इसे 1.41 से, तो इसको डिवाइड करने के लिए जैसे नॉर्मल डिवीज़न प्रोसेस होता है वैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ा नंबर है नहीं आपके पास। इसका डेसिमल आप हटाएंगे तो ये अब बन जाएगा आपके पास 300 डिवाइडेड बाय 141। तो 141 से अगर हम 300 को डिवाइड करते हैं तो 2 पे आ गया, 10-2, 8, 9-8, 1, 0 उतारोगे 1 पे आ जाएगा, 10-1, 9, 7-4, 3। फिर अगर हम और करते हैं तो 2.12 पे आ जाएगा, 3 पे 3 पे नहीं जाएगा, सिर्फ 2 पे जाएगा। तो 2.12 आप कह सकते हो कि इसका हमारा आंसर आ गया। तो अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर। तो बच्चों समझते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसके जो क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में आने वाले हैं इस साल। जेड टेस्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि जेड टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हम यहाँ पर टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो कि क्वेश्चंस आपके सिलेबस में इस साल के लिए दिए हुए हैं। तो पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में समझ लेते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, किसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक एजम्पशन करना, एक आपने एजम्पशन करी, एजम्पशन के बेस पर फिर हम एविडेंसेस को देखते हैं और जो बाकी चीज़ों को देख कर फिर हम डिसाइड करते हैं कि जो हमने एजम्पशन करी है वो ठीक है। जैसे कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में गिल्टी खड़ा होता है,
अब वो गिल्टी जो गिल्टी नहीं होता, एक्यूज होता है जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन जब तक उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता तो कोर्ट ये मान के चलती है कि वो निर्दोष है। ठीक है, ऐसा अक्सर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी, कि जब तक किसी का क्राइम जो है ना वो जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक वो बिल्कुल इनोसेंट है, चाहे उसने किया हो चाहे उसने ना किया हो। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या है कि जो सामने वाला पर्सन है वो इनोसेंट है। फिर हम जब बाकी एविडेंसेस होते हैं, बाकी जो कोर्ट में सारा कुछ प्रोसीजर चलता है, उस प्रोसीजर के हिसाब से हम ये देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस लिया था कि ये बंदा जो है निर्दोष है, इसने कुछ नहीं करा है, तो वो वाकई में है या नहीं है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब हम करेंगे तो उसमें जो हमारे पास एक हाइपोथेसाइज मीन होगा, जिसको मान के चलेंगे कि ये हाइपोथेसाइज मीन है, और उसके आसपास की जो वैल्यूज़ अगर आती हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं होता, तो हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज हम उस वैल्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये रिजेक्शन और एक्सेप्शन का केस होता है। तो ये थोड़ा और हम इसको समझते हैं मैथमेटिकली। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जैसे इसने आपको बताया, इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन इट इज़ यूजफुल टू मेक सम एजम्पशन, कोई आपने एजम्पशन करी उसके लिए आपने कोई डिसीजन बनाना है अबाउट द पॉपुलेशन, सच एजम्पशन विच मे और मे नॉट बी ट्रू आर नोन एज हाइपोथेसिस। जो एजम्पशन हमने करी है वो ट्रू हो भी सकती है और वो ट्रू नहीं भी हो सकती है। दीज आर अ टू टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस फॉर ईच सिचुएशन, द नल हाइपोथेसिस एंड द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो हाइपोथेसिस होंगे। जो आपने हाइपोथेसाइज मीन लिया है अगर उसके आसपास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो इसका मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर डिफरेंस ज़्यादा निकलता है, हाइपोथेसाइज मीन का यानी पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस और सैंपल मीन का डिफरेंस अगर ज़्यादा निकलता है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम ये मान लेंगे कि जो सामने वाला बंदा है वो गिल्टी है। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस के बारे में आपको मैंने और बताया हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखिए, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ, देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ए पैरामीटर एंड ए स्पेसिफिक वैल्यू, यानी जो पैरामीटर आपने लिया हुआ है और जो स्पेसिफिक वैल्यू आपने निकाली है, और देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू पैरामीटर टू ग्रुप स्टडिंग आर द सेम, यानी कोई भी उसके अंदर ज़्यादा सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं होता है तो नल हाइपोथेसिस होता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए पैरामीटर एंड ए स्पेसिफिक वैल्यू और स्टेट दैट देर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन द टू पैरामीटर, जो दो पैरामीटर हमने सेट किए उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो बनेगा हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। टू ग्रुप स्टडिंग आर डिफरेंट, दोनों ग्रुप हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ पर ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हो गया, नल हाइपोथेसिस में दोनों ग्रुप्स सेम होंगे। ठीक है, अब इसके बारे में जो टी टेस्ट है, टी टेस्ट के बारे में और समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट में कहना, इट इज यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप which may be related in the same population, it is often used in the hypothesis testing. ठीक है, दो ग्रुप्स में हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। द इन्फ्रेंशियल स्टेटिक कैलकुलेटेड इन द टी टेस्ट इज कॉल्ड द टी रेशो एंड द डिनोटेड बाई टी। अब सारा कुछ ये ज़्यादा थ्योरी है, ये ऑलरेडी जो हमारी ऐप है अंडरडॉग, उस पर इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का जो PDF है उसमें सारा कुछ ये लिखा हुआ है। तो यहाँ मेन पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा, एक तो वन सैम्पल टी टेस्ट है और एक टू सैम्पल टी टेस्ट है। एक पेयर टी टेस्ट होता है लेकिन वो हमें नहीं करना है। ठीक है, वो हमें नहीं करना, हमें सिर्फ वन सैम्पल टी टेस्ट करना है और टू सैम्पल टी टेस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको एक टर्म निकालनी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच एन अप्रोक्सीमेशन इज बेस्ड इज नॉन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर ए क्लासरूम हैविंग सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 25 स्टूडेंट्स। द फर्स्ट 24 स्टूडेंट हैव ए चॉइस टू सिट, बट द 25th स्टूडेंट कैन ओनली सिट ऑन द वन रिमेनिंग सीट। Therefore, the degree of freedom is 24. क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 सीट्स हैं। अब जो पहले आता है वो पहले पाता है, यानी जो आप पहले आए हो तो आपके पास चॉइसेज है, 25 सीट्स हैं भाई, कहीं भी बैठ जाओ, जहाँ आपका मन करे। आपको आपने उस दिन काम नहीं किया है तो पीछे जाके बैठ जाओ, और आप चौड़े उस दिन आपने काम किया हुआ है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, तो भाई फ्रंट डेस्क पर बैठो, बिल्कुल टीचर की नज़रों के सामने बैठो।
ठीक, तो वो आपकी चॉइस है, दूसरा बंदा आता है, वो दूसरा भी फिर उसके पास भी चॉइसेस होती हैं, वो भी अपने हिसाब से एडजस्ट करता है कि भाई आज मेरा काम पूरा है तो मुझे क्या किस बात का डर है, ठीक है। लेकिन कई बार काम पूरा होने पर भी डांट पड़ जाती है, चीज़ ध्यान रखना, ठीक। तो ऐसे कर करके मान लो 24 स्टूडेंट आ जाएंगे। अब 25th स्टूडेंट जैसे ही क्लास में एंटर करता है, भाई उसके पास तो सीटी एक है, ठीक है, अब उसके पास तो कोई चॉइसेस ही नहीं है। अब उसने काम चाहे पूरा करा है या नहीं करा है, या जो भी सिचुएशन है, उसे तो उसी सीट पर बैठना पड़ेगा, चाहे वो बिल्कुल टीचर के सामने फ्रंट डेस्क हो या फिर बिल्कुल लास्ट डेस्क हो, जो भी हो, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो यहाँ पर फ्रीडम हमारे कितने स्टूडेंट को मिल गई, 24 स्टूडेंट को कुछ ना कुछ फ्रीडम मिली है। तो दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसको निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं N-1, वन सैंपल टी टेस्ट। अब यहां पर बात करते हैं वन सैंपल टी टेस्ट की। तो वन सैंपल टी टेस्ट में कह रहे हैं टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू द हाइपोथेसाइज वैल्यू म्यू नॉट। अब यहां पर जो टी की वैल्यू हम निकालेंगे, तो टी की वैल्यू हम निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा फार्मूले में कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि भाई कौन सा फार्मूला हमें यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन जब हम CBSE सैंपल पेपर पे जाते हैं तो ये वाला फार्मूला उन्होंने लगा दिया। तो भाई ये जादू उन्होंने कैसे करा, ये जादू करने के लिए आपको यहाँ पर n की वैल्यू का ध्यान रखना है कि n की वैल्यू क्या है। अगर n की वैल्यू 30 या 30 से ज़्यादा है तो आप ये फार्मूला यूज़ करो, और अगर n की वैल्यू 30 से कम है तो ये फार्मूला यूज़ करो। इसका लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि अगर हमारे पास कम सैंपल होता है तो उसमें अगर एक भी कम कर देते हैं तो वो काफ़ी इफेक्ट डालता है। मान लो क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है, 10 में से 2 अब्सेंट हो गए, तो सीधा परसेंटेज कितनी होगी अटेंडेंस की, 80%। लेकिन क्लास के अंदर अगर 100 स्टूडेंट है उसमें से 2 अब्सेंट हो गए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, 100% से कम हो गए कितना हो गया, 98%। तो एक जगह बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो गया एन कम करने, वन कम करने से, लेकिन एक जगह बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। तो वही यहाँ पर लॉजिक लगाया जाता है, अगर एन की वैल्यू 30 से आप कम लेते हैं तो ये वाला फार्मूला लगाओ, और 30 या उसके ज़्यादा लेते हैं तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक। यहाँ पर जो एक्स बार है उसका मतलब आपको पता ही है, सैंपल मीन, एन का मतलब सैंपल साइज, म्यू नॉट हाइपोथेसाइज वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन, जो एक वैल्यू आप मान के चलोगे कि ये हमारा मीन है, उसको डिनोट करेंगे हम म्यू नॉट से। इसके बाद हम देखते हैं कि वन सैंपल टी टेस्ट में जबकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होता, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अननोन, तो उस केस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है, और कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हाइपोथेसिस हमारे पास किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस हमारा कौन सा है। तो अगर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है तो ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो आपको स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट से आपको पता लगाना है कि जो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि वो आपको इक्वल रखना है या कम रखना है या ज़्यादा रखना है, क्या रखना है। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे अभी इसके बाद स्टेटमेंट वाले। तो यहाँ पर पहचान रखने का आपको सबसे ना बेटर आइडिया क्या है कि आप फोकस करो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पर, फोकस करो। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, यहाँ से जो साइन आएगा, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि लेस देन का साइन है, तो लेस देन का साइन है मतलब ये लोअर टेल टेस्ट है। यहाँ पर लगता है मैं लोअर अपर लिखना भूल गया, तो यहाँ पर ये लोअर टेल टेस्ट है, ये अपर टेल टेस्ट है। अपर टेल टेस्ट में क्या होगा, ये वाला जो साइन होगा ये ग्रेटर देन का है, और ये टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट का में यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का साइन होगा। तो इससे आपको फटाफट पता चल जाएगा, अगर लेस है तो लोअर टेल है, ग्रेटर है तो अपर टेल है, और नॉट इक्वल है तो टू टेल टेस्ट है। अब सबसे पहला काम होगा हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना। इसके लिए जो अभी मैंने फार्मूला बताया कि या तो n की वैल्यू पर डिपेंड करता है, n की वैल्यू अगर 30 या उससे ज़्यादा है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर n की वैल्यू 30 से कम है तो फिर आप N-1 वाला लगाएंगे। दोनों फार्मूले एप्लीकेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ दूसरा फार्मूला, अभी मैंने पीछे स्लाइड में बताया, तो दूसरा फार्मूला भी ध्यान रखना कि आपको N-1 कब लगाना है। तो T की वैल्यू तीनों टेस्ट के अंदर आप निकालोगे सेम आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम N-1 आएगी, और उसके अलावा जो ये पी वैल्यू अप्रोच है ये आपको नहीं करनी है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच करनी है।
तो अगर हम टी की वैल्यू निकालेंगे, टी की वैल्यू लेस देन माइनस टी अल्फा आती है, यहाँ माइनस आएगा, लेस देन माइनस टी अल्फा आती है, तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा आती है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, सॉरी रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर टू टेल टेस्ट में देखेंगे तो टी अल्फा बाय टू की वैल्यू आपको देखनी है, अगर टी लेस देन इक्वल्स टू माइनस टी अल्फा बाय टू आया या टी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी अल्फा बाय टू आ गई तो उस केस में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस टेबल्स में आप सारा कुछ दिया हुआ है कि आपको क्या क्या निकालना है, तो ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे क्वेश्चन के अंदर, अच्छी तरह से याद कर लेना है टेबल। ये हमारा वन सैंपल टेस्ट है और उसके बाद हम चलेंगे टू सैंपल टेस्ट पर। टू सैंपल टेस्ट में दो डिफरेंट सैंपल्स हैं जिसको हम आपस में कंपेयर करेंगे, तो इसमें जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ टेबल पर। तो टेबल हमारे पास आ गई, यस ये हमारे पास टेबल आ गई। तो यहाँ पर भी आपके पास लोअर टेल टेस्ट है, अपर टेल टेस्ट है और टू टेल टेस्ट है। ये नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिए हैं। यहाँ पर भी आप ये सिंबल का ध्यान रखेंगे, ये सिंबल जो आपको दिया हुआ है यही आपको बता देगा कि भाई कौन सा टेस्ट आपको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर देखो अल्टरनेट पर लोअर टेल टेस्ट है तो यहाँ लेस देन का साइन है, अपर टेल टेस्ट है वही ग्रेटर का साइन है और टू टेल टेस्ट में नॉट इक्वल्स टू का साइन है। तो यहाँ पर क्योंकि दो सैंपल होंगे इसलिए दो हाइपोथेसाइज मीन है, म्यू वन और म्यू टू, उन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा उसको डी से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तीनों केसेस में सेम वही चीज़ है। उसके बाद टी निकालना है, टी की जो वैल्यू निकालने का फार्मूला यहाँ पर है, सैंपल मीन माइनस सैंपल मीन ऑफ ग्रुप टू माइनस डी, डी या डी नॉट, ये डी नॉट भी आप लिख सकते हो। तो यही चीज़ है, जो डी इनका डिफरेंस होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है, डिवाइडेड बाय एस वन स्क्वायर, एस वन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन वन, एस टू स्क्वायर बाई एन टू। टी का फार्मूला तीनों में सेम रहेगा कोई सा भी टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला है वो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा है, तो डिग्री ऑफ उसको लिखने का और याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊँ तो कैसे आप उसको याद रख सकते हो। ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है। अब यहाँ पर देखो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, जो टर्म आपने यहाँ पर लिखी है टी टेस्ट पे हम चलते हैं। टी टेस्ट में यहाँ पर देखो, फोकस यहाँ पर करो, जो टर्म आपने यहाँ पर लिखी है रूट के अंदर, ये वही वाली टर्म यहाँ पर आपको एज इट इज़ लिखनी है और इसका स्क्वायर करना है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे आप इजीली याद रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वन अपॉन में एन वन माइनस वन है, एस वन का स्क्वायर बाय एन वन, मतलब ये पहले वाली जो टर्म है, पहले वाली टर्म यहाँ रखनी है तो दूसरे वाली टर्म है वो आपको यहाँ रखनी है। तो इस तरह से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो। टी वैल्यू निकालने के बाद फिर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच पे जाएंगे, तो यहाँ पर वही सीन रहेगा, टी लेस देन इक्वल्स टू माइनस टी अल्फा, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा, और अगर टू टेल टेस्ट में हम जाएंगे तो वहाँ पर अल्फा बाय टू हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस आएगा, ठीक है। टी लेस देन इक्वल्स टू माइनस टी अल्फा बाय टू, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा बाय टू। तो ये सारे हमारे पास टेस्ट थे, वन सैंपल टेस्ट और टू सैंपल टेस्ट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये सब चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं या जो सीबीएसई सैंपल पेपर में दिए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में यहाँ कहता है, लेट अस कंसीडर द एवरेज रेनफॉल इन ए गिवन एरिया इज 8 इंचेस। दैट मीन्स यहाँ पर आपको जो पॉपुलेशन मीन है उसके बारे में इसने दे दिया कि जो एवरेज रेनफॉल है वो 8 इंचेस का है। तो ये तो आ गया आपके पास म्यू। नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि जो म्यू की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 होगी। तो यानी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या बन गया यहाँ पर, कि म्यू की वैल्यू लेस देन 8 होगी। तो ये बन गया आपके पास लोअर टेल टेस्ट, लोअर टेल टेस्ट। तो हाइपोथेसिस हमने सेट कर दिया, म्यू हमारे पास आ गया। आगे क्या कह रहा है, एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ओवरऑल एवरेज रेनफॉल। द फॉलोइंग इज द एवरेज रेनफॉल फॉर द ऑब्जर्व्ड पीरियड ऑफ दिस इज द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्लेम अबाउट द रेनफॉल ट्रू। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो क्लेम करा है वो क्लेम ट्रू है या नहीं है ये आपको बताना है।
डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको यहाँ पर फोर वैल्यू पर टी की वैल्यू दे रखी है 2.776, यानी जो यहाँ पर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.025 दे रखा है। तो जब दे रखा है तो हमें कुछ वहाँ पर और पंगेबाजी करनी नहीं है, सिंपल हमने उसको यूज़ करना है। बस यहाँ पर आपको सैम्पल मीन नहीं दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा है। सैम्पल मीन स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं फार्मूले से, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन तो दे ही रखी है। तो सैम्पल मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी एक्स बार निकालना है हमें। तो जितना भी आपको डाटा दे रखा है उन सबको प्लस करो, 8 + 5 + 7, उसके बाद है फिर 5 फिर 6 डिवाइडेड बाय 5। तो इन सब का टोटल हमने करा, 8 + 5 = 13 + 7 = 26 और सॉरी 20 और 11 ही हो गया 31। 31 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6.2। तो ये तो आ गया आपके पास सैंपल मीन। अब निकालना हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो हम इसको फॉलो करते हैं फार्मूले को। अब इस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो जितना हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दे रखी है उन सारी ऑब्जर्वेशन को एक एक करके आपको माइनस करते जाना है मीन में से, और जो भी आंसर आएगा उसका करते जाना है आपको स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले वाली वैल्यू हमारे पास है, पहली वाली वैल्यू है 8 में से आपको 6.2 को माइनस करना है। 8 में से 6.2 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो 10 - 2 = 8 और यहाँ पर आ जाएगा 1, इसका स्क्वायर करना है। प्लस अगली वैल्यू है 5, अब 6.2 में से 5 माइनस करें उल्टा हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस में -1.2, इसका स्क्वायर। प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। प्लस 5 में से 6.2 माइनस करेंगे यानी यही आपके पास 1.2 आ जाएगा माइनस का। प्लस लास्ट में वैल्यू आपके पास 6 है, 6 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इन सब का स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय 5 - 1। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका स्क्वायर करो, ये आ जाएगा 3.24, ये आ जाएगा 1.44 प्लस 0.64 प्लस 1.44 प्लस 0.04। इन सबको प्लस करके आपको डिवाइड कर देना है 4 से। अब इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, और 4 से डिवाइड भी हम साथ साथ कर देंगे तो डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.7। ठीक है, इन सबको हमने प्लस करा, प्लस करके 4 से कर दिया डिवाइड, तो वैल्यू आ गई 1.7 और 1.7 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 1.3। अब सैंपल मीन भी आ गया आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, हाइपोथेसिस भी हमें पता और टेस्ट भी हमें पता है कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। अब आपको पहले टी वैल्यू निकालनी है, तो टी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो टी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सैंपल मीन माइनस हाइपोथेसाइज मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन। एन माइनस वन लेना है क्योंकि एन की वैल्यू 30 से कम है। तो यहाँ पर सैंपल मीन आपके पास है कितना, सैंपल मीन आया 6.2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1.3 डिवाइडेड बाय 5 - 1 मतलब 4। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 10 में से 2 माइनस करा हमने 8 और यहाँ पर आ गया 1, माइनस में आ गई वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.3 और ये आ जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर रूट करेंगे आ जाएगा 2। अब 1.8 को आपने यहाँ पर से 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1.3 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 3.6 डिवाइडेड बाय 1.3। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा सीधा, 13 से इसको आप डिवाइड करोगे, 13 × 2 = 26 बचेगा 10, 10 उतारेंगे 10 तो 13 × 8 = 104 तो ये आ जाएगा आपके पास 2.8। और आपके पास जो टी अल्फा की वैल्यू है वो दे रखी है 2.776। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मॉडुलस ऑफ टी है ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, लेकिन जो मॉडुलस ऑफ टी निकालेंगे, मॉडुलस में जो नेगेटिव वैल्यू है
वो आपकी साइन उसका ख़त्म हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.8 माइनस में, और जो टी अल्फा हमारे पास 2.776 है। तो क्लियरली यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो मॉडुलस ऑफ टी है वो ग्रेटर देन आ रहा है टी अल्फा से। अगर मॉडुलस ऑफ टी टी अल्फा से बड़ा होता है तो उस केस में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब क्या है कि जो उसने नल हाइपोथेसिस दिया था कि एवरेज रेनफॉल 8 से ज़्यादा है, तो वो नल हाइपोथेसिस की वजह से वो जो क्लेम है उसका वो खारिज हो जाता है, यानी वो क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो उनका जो क्लेम है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। इसमें यहां पर कहता है क्वेश्चन के अंदर कहता है शू मेकर कंपनी प्रोड्यूसेस ए स्पेसिफिक मॉडल ऑफ शूज हैविंग 15 मंथ एवरेज लाइफ टाइम। 15 मंथ एवरेज लाइफ टाइम मतलब म्यू आपको यहां पर सेट कर दिया उसने 15 मंथ्स। वन ऑफ द एम्प्लॉय इन देयर R&D डिवीजन क्लेम्ड टू हैव डेवलप्ड ए प्रोडक्ट दैट लास्ट लॉन्गर। दिस टेस्ट प्रोडक्ट वॉज 1/30 पीपल। अब जो उसने क्लेम करा, उस बंदे ने R&D डिपार्टमेंट में जो बंदा है उसने जो क्लेम करा, उसने कहा कि भाई जो मेरा जो शूज़ है उसकी एवरेज लाइफ 17 मंथ्स है। तो यानी उसने सैम्पल मीन आपको दे दिया 17, और उसको टेस्ट करने के लिए उसने 30 लोगों को उसने ये शूज़ पहनाए। तो जो सैम्पल नंबर के पास है N, वो आ गया यहाँ पर 30, ठीक है, 30 लोगों ने उसको यूज़ किया। द वेरिएबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल DD इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू ग्रुप विच इज़ 5.5 मंथ। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया इसने 5.5। इज द डिज़ाइनर क्लेम ए बेटर शू सपोर्टेड बाय द फाइंडिंग ऑफ द ट्रायल। अब यहाँ पर जो हाइपोथेसिस सेट हो रहा है, क्योंकि उसने बताया कि भाई हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, जो उसने बताया कि जो एवरेज लाइफ टाइम है वो 15 मंथ है, और उसने बताया दूसरे वाले ने कि जो एवरेज लाइफ है वो उसकी 17 मंथ है, तो वो क्लियरली कह रहा है 17 मंथ है, यानी जो नल हाइपोथेसिस सेट हो रहा है यहाँ पर वो क्या बन रहा है आपके पास, म्यू की वैल्यू कह रहा है इक्वल्स टू 17 है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया, तो वो कह रहा है भाई म्यू की वैल्यू 17 नहीं है, या तो कम है या फिर ज़्यादा है। तो यानी यहाँ पर आप यूज़ करेंगे टू टेल टेस्ट। अब सब कुछ आपको दे रखा है, बस फार्मूला पुट करके आपको वैल्यूज़ निकालनी है, और वैल्यू निकालोगे यहाँ पर तो सबसे पहले तो टी की वैल्यू निकालते हैं। सैम्पल मीन 17 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 5.5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 30 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो 17 माइनस 5 आ गया 2, ये आ गया 5.5। 30 का स्क्वायर रूट करेंगे तो पेयर तो कुछ बन नहीं रहा, ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी 30 का स्क्वायर रूट। अब 30 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, ये स्क्वायर रूट के लिए मैंने आप एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आप लोगों को, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ ई बटन में, वहाँ पर जाके उसको देख लो, समझ लो, सारे बहुत सारे स्क्वायर रूट्स आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी डायरेक्ट, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 5.5, यहाँ भी 5.5 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टी वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर जो टी अल्फा है उसकी वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है डायरेक्टली। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर 0.05 है, क्योंकि टू टेल टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अल्फा बाय 2 होता है, तो आपको उसकी टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है, क्या अल्फा बाय 2 करना है या अल्फा करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा हो ना वो यूज़ कर देना है। तो आपको टी अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2.045। अब यहाँ पर देख रहे हो जो मॉडुलस ऑफ टी की वैल्यू है वो टी अल्फा की वैल्यू से कम आ रही है, तो टी वैल्यू आपके पास कम आ रही है, मतलब बिकॉज टी इज़ लेस देन टी अल्फा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं होगा, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि जो वो क्लेम कर रहा है वो ठीक क्लेम कर रहा है जी,
कि वो उसका दोस्त ने शू बनाया वो 17 मंथ्स चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से क्या क्या इसमें लिखा है। ए कंट्री हैज़ एन एवरेज फार्म साइज ऑफ 191 acre, वाइल कंट्री बी हैज़ एन एवरेज फार्म साइज ऑफ 199 acre। यहाँ पर दो आपको सैंपल दे रखे हैं, तो दो ग्रुप आपको दे रखे हैं, दोनों ग्रुप के अंदर आपको कंपेयर करना है, यानी टू सैंपल टेस्ट आपको लगाना है। अब टू सैंपल टेस्ट आप यहाँ पर लगाओगे तो आपके पास दो मीन आ गए यहाँ पर, एक हो गया 191, दूसरा हो गया आपके पास 199। एज्यूम द डाटा वर अटेंड फ्रॉम टू सैंपल विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 38 and 12। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 38 और दूसरा दे रखा है 12। सैंपल साइज आपको दे रखा है 8 और 10। Is it possible to infer that an average size of form in the two countries is different at a 0.05? आपको 0.05 level of significance दे रखा है, इससे आपको use करना है, and यहाँ पर कितना था 10। तो यहाँ पर T alpha की value आपको question में नहीं दी हुई है, तो T alpha की value हम लिख लेते हैं। यहाँ पर T alpha की value हमें मिलेगी 2.306। ये question में लिखनी रह गई है T 2.306। ठीक है, अब यहाँ पर दो सैंपल हैं, दोनों में यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं कि कम या ज़्यादा निकालना है, दोनों की चीज़ें आपको इकट्ठी दे रखी हैं, तो यानी यहाँ पर आपको यूज़ करना है टू टेल टेस्ट। अब टू टेल टेस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें टी अल्फा बाई टू होता है, इसलिए आपको ये वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम है हमें टी वैल्यू निकालना। टी वैल्यू निकालने का जो फार्मूला होता है, x1 - x2 - d डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s1² / n1 + s2² / n2, ये वैल्यू आपको दे रखी है। अब यहाँ पर जो x1 है आपके पास 191 है, 199 है, तो आपको यहाँ पर जब नल हाइपोथेसिस सेट करोगे यहाँ पर, तो उसको आप इस तरीके से लिखोगे μ1 - μ2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा μ1 - μ2 इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो डी की वैल्यू आपके पास यहाँ ज़ीरो है, तो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 191 - 199 - 0 डिवाइडेड बाय s1 का स्क्वायर करेंगे, 38 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 8 आ गया, तो 38 का स्क्वायर अपॉन में n यानी 8 प्लस s2 आपके पास है 12 का स्क्वायर अपॉन में 10। तो ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके, मैं यहाँ कैलकुलेशन में टाइम अभी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करके हमारे पास t की वैल्यू आ रही है -0.57। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, यहाँ पर s1² / n1, s2² / n2 डिवाइडेड बाय 1 / n1 - 1, s1² / n1 प्लस n2 - 1, s2² / n2। अब इसका भी आपको होल स्क्वायर करना होता है, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होती है इसमें। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास जो जो वैल्यू दे रखी है, ये 38 जो यहाँ पर वैल्यू आती है ना, वही वैल्यू हमारी यहाँ पर पुट होती है। ठीक है, अभी तो हमने सारा कैलकुलेट करके लिख दिया, लेकिन जब आप अलग अलग लिखोगे तो जो वैल्यू यहाँ पर आएंगी वो वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, और ये सारी वैल्यूज़ पुट करोगे आप तो हमारे पास बनेगा ये 38 का स्क्वायर अपॉन में 8, ये 12 का स्क्वायर अपॉन में 10, फिर इसका पूरे का होल स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय n1 - 1 यानी 8 - 1 7 हो जाएगा,
यहाँ पर 38 का स्क्वायर अपॉन में 8 इसका होल स्क्वायर, और इसके बाहर हमारे पास ये आ गया 1 अपॉन में n2 माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 9, और इधर से आ गया हमारे पास 12 का स्क्वायर अपॉन में 10 फिर इसका होल स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 8.12। तो 8.12 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा नेचुरल नंबर में आएगा, तो आपके पास ये 8 आ जाएगा, राउंड ऑफ कर देना। डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है, टी आपके पास ये है, और जो टी अल्फ़ा की वैल्यू है वो 2.306 आपको दे रखी है। तो इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, तो टी की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, इसका मॉडुलस आप देखोगे 0.57, ये लेस आ रहा है 2.306 से, यानी जो टी का मॉडुलस है, टी का जो मॉडुलस है वो टी अल्फा बाय 2 की वैल्यू से कम आ रहा है। अगर नल हाइपोथेसिस हमें रिजेक्ट करना है तो ये ज़्यादा आना चाहिए था, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हो रहा है। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो एवरेज फॉर्म, एवरेज साइज है फॉर्म का, वो दोनों का डिफरेंट है, एवरेज साइज ऑफ फॉर्म इज डिफरेंट। फॉर्म इज डिफरेंट, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन की टेंशन ना लो, मैं कुछ वीडियो धीरे धीरे बना रहा हूँ जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी थोड़ा जल्दी तरीके से आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इस इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के वन शॉट के लिए आपको वेट भी ज़्यादा करना पड़ा है, लेकिन इस वन शॉट को देखने के बाद आपको इन्फ्रेंशियल दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।